सोनिया गांधी जवाब दे। क्या श्रीमती सोनिया गांधी जी आप कमलनाथ के बयान से सहमत हो? आपके मध्य प्रदेश का अध्यक्ष कह रहा है ये कि भारत बदनाम है, कांग्रेस को लज्जा और शर्म नहीं आती। सत्ता जाने के बाद लगता है कमलनाथ ने मानसिक संतुलन खो दिया है। जाको प्रभु दारुण दुख दे ही, बाकी मति पहले हर ले ही। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अरे कमलनाथ जी और मैडम सोनिया गांधी जी, भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। इसकी गौरव गाथाएं सारे विश्व ने गाई है। इसी धरती पर जन्म लिया कमलनाथ ने और आज कह रहे हैं भारत बदनाम है। क्या अपने देश को बदनाम कहना देश के साथ गद्दारी नहीं है? क्या यह कांग्रेस का सोच है? क्या स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू और स्वर्गीय इंदिरा जी वो ऐसी कांग्रेस चाहती थी? यही शिक्षा दी गई थी। मैडम सोनिया गांधी, मौन तोड़ना पड़ेगा। आप साफ करो कि या तो कमलनाथ गलत है, पार्टी के बाहर करो, या फिर ये कह दो कि मैं कमलनाथ के बयान से सहमत हूं। ये वो कमलनाथ जो कहते हैं प्रदेश में आग लगा दो, महासंकट से प्रदेश जूझ रहा है, देश जूझ रहा है। हम जनता के साथ मिलकर दिनों रात कोरोना संक्रमण रोकने में लगे, कम करने में लगे, लोगों की सेवा में लगे, इलाज और दवाइयों के इंतजाम में लगे। लेकिन कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बेशर्मी से कह रहा है। नहीं, ये क्या है? ये तो मानसिक संतुलन खो दिया है, या संतुलन नहीं खोया तो इतना विकृत दृष्टिकोण है, इतने विकृत विचार है। कैसा कांग्रेस का अध्यक्ष भारत का नागरिक कहलाने का हकदार नहीं है? जांच करवानी चाहिए कमलनाथ की, या फिर मैडम सोनिया गांधी को कांग्रेस से बाहर करना चाहिए? और नहीं तो यह माना जाएगा कि श्रीमती सोनिया गांधी जी आप और आप राहुल दोनों भी ये मानते हैं जो कमलनाथ मानते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है।